साल मैंगरोवाल डैम की जो कि जिला हुशियारपुर के बहुत ही खूबसूरत डैम है, जो कि जिला हुशियारपुर के जो तुम हुशियारपुर आओगे उस तो बाद हरियाणा कस्बा आना पाएगा। हरियाणा कस्बा तो सीधी सड़क जाएगी मैंगरोवाल डैम नू, जो कि 9 किलोमीटर ते है। आओ चलिए इस डैम दे उपर। वैसे इस डैम जाण वास्ते हुशियारपुर तो एक होर रूट भी है, पर ये वाला रूट जिहड़ा है बहुत वधिया रूट है, बड़ा साफ सुथरा और बहुत ही प्रकृति नाल संबंधित जिहड़ा है ये रूट है। मैंगरोवाल डैम नू जांदा है और इहदे विच टक्की पिंड हुंदे हुंदे बसी बगदाद चक गुजरां और तखणी पिंड। तखणी पिंड बड़ा बड़ा पिंड है इत्थे दा, और इत्थे बहुत सारे फार्म लोगों ने बनाए हुए हैं, कोई NRI वीर ने जिन्होंने फार्म बनाए होन, और बड़ा वधिया लोकेशन होने के कारण ही NRI वीर और बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने वो इत्थे पैसा इनवैसट करते हैं इस एरिए दे विच, क्योंकि एरिए दे विच बहुत वधिया जो पॉपुलर और सफेदा बहुत वधिया हुंदा, क्योंकि जंगल का एरिए दे नियर अबाउट है, इसलिए इत्थे इदां दे जिहड़ी लक्कड़ बहुत हुंदी है। और इत्थे पंजाब दी सब तो वड्डी लक्कड़ मंडी जिहड़ी है, पंजाब दी पहली लक्कड़ मंडी वो इसी हरियाणा कस्बा दे विच है, क्योंकि अपने हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच बहुत ज़्यादा लक्कड़ हुंदी है, और इत्थे जंगल का एरिया भी है और हिमाचल का एरिया नाल लगता है, इस करके इहदे नाल नाल वादियां हन, उहदे नाल नाल बहुत सारे लक्कड़ की खेती हुंदी है, इस करके इत्थे बहुत जिहड़ा मंडी दी उसारी कीती गई है हरियाणा कस्बा के नज़दीक। तो आप मैंगरोवाल पहुँच चुके हैं और मैंगरोवाल डैम के वालों जा रहे हैं, और मैंगरोवाल डैम तुसी देखो कितना खूबसूरत लोकेशन है, और इत्थे आप जे आईए तो क्या बात है जी, बहुत वधिया तंदुरुस्त हो जाता है बंदा। अजकल शुगर की बीमारी, कैस्ट्रोल और ब्लड प्रैशर बहुत भैड़िया भैड़िया बीमारियां चल रही हैं, अगर तुहाडे को टाइम लगे तो इस तरह की वातावरण के भी थोड़ा जा टाइम कढ़िया करो और जाया करो। किन्ना वधिया देखो, किन्ना खूबसूरत लोकेशन है, किन्ना वधिया वातावरण है, हरियाली नज़र आउंदी है और नज़र विच बड़ी कमजोरी आउंदी है। अजकल छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे देखते हाँ तो सानू लगता है कि उन्होंने पता नहीं किहड़ी चीज़ की कमी है, वो इस चीज़ की कमी है कि वो बहुत सारी गेमां खेडते हैं, टीवी ते देखते रहते हैं पर नैचुरल नहीं देखते, इसलिए नैचुरल जरूर देखो और इहो जिहे वादियां दे विच आओ और इहो जिहा डैम देखो और खूबसूरत चीज़ां देखो ता कि अपनी जिंदगी साड़ी रंगीन हो जाए। तो लो आप डैम दे विच पहुँच चुके हाँ, डैम के नज़दीक पहुँच रहे हाँ, और यह वादियां दे विचों गुजरते गुजरते असीं डैम तक पहुँचांगे, और देखो ये भावें रास्ता छोटा है पर बड़ा मज़ा आता है इस रास्ते के उत्ते। कई लोग यहाँ पर जूस पीते हैं, कई लोग इत्थे आके तरह तरह का इंजॉयमेंट करते हैं। लो जी असीं पहुँच रहे हाँ डैम ते, धमशाल मैंगरोवाल डैम जिस दी स्थापना 26 अप्रैल 1987 नूं होई और जिनूं पंजाब इरीग्रेशन डिपार्टमेंट ने बनाया, जिसका निर्माण BD बाली चीफ इंजीनियर ने किया, और बड़ी साडे वास्ते बड़ी घृणा जो गलबात है, बड़ी इतराजोग गल है कि इहदा जिहड़ा पत्थर रख्या होया, नीं पत्थर रख्या होया, लकड़ां दे विच लुकिया सी, बड़ी मुश्किल नाल असीं कढ के इहनूं असीं विच उहदी फोटो खिच्ची है। इह भी इक प्रशासन की बड़ी कमजोरी है कि इस जिहड़ा हैगा उहनूं ही साफ नहीं कर सकते इह। तो वैसे भी डैम दे उत्ते कोई बहुती सफाई नहीं नज़र आई, कुछ कर्मचारियां घट ने हन, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है जां की चक्कर है। वैसे इस जिहड़ा हैगा जिहड़ी इहदी ग्रोरस स्टोरिंग कपैसिटी है वह है 660 हाइट मीटर, और लाइन स्टोरिंग कपैसिटी जो है वह 625 हाइट मीटर है, और टॉप लैवल जिहड़ा है इहदा 416 मीटर है। धरती तो इस दी डैम की जिहड़ी हाइट है वह है 26.5 मीटर, और टॉप की चढ़ाई जी, टॉप की चढ़ाई है जो उपर जो सड़क बनी हुई है जिते वो जी चढ़ाई है वो 6 मीटर की है, जिसे सड़क बनी हुई है, और टॉप की लंबाई जी एक सिरे तो लैके दूजे सिरे तक वो है 180 मीटर। देखो कितना खूबसूरत ये डैम बनया हुआ है, और ये असी कई कुछ देखा है कि लोग यहाँ इतने आके अपना उन्होंने देखो जी प्रकृति का नज़ारा जो लो तुम जिस तरह मर्जी लो, पर कई लोग इतने देखते हैं कि वो इतने आके शराब पीते हैं और इस तरह के कुछ कई चीज़ा खाते पीते हैं, तो वो लफाफे भी सुट देंगे, शराब दिया बोतलों भी सुट देंगे, इस तरह प्रकृति को नुकसान होता है।
और इस तरह का काम नहीं करना चाहिए है। ये डैम जिहड़े बने हन ये साड़ी सहूलत वास्ते बने हुए हैं कि साढ़े किसानों नूं पानी मिलता है। और जिक्र योग है देखो तुहानूं दिखा रहा हाँ कि आ देखो किस तरह इत्थे बोतलां पईआं होईआं हन, शराब दीआं बोतलां पईआं होईआं हन, होर कई कुछ इस तरह का पिया होया है। अगर तुसीं खांदे पींदे भी हो तो इहनूं बोतलां नूं इत्थे ना सुट्टो, तुसीं अपने नूं चक के होर पासे लै जाओ। और इस जिहड़े डैम का पानी है ये इधरले 40 पिंडां दे विच इहदा पानी जिहड़ा जांदा है और इस नाल जिहड़े किसान ने उह खेती करदे हन, अपना रोजी रोटी कमाते हैं। देखो सफाई बहुत घट है डैम के, इन्ने करोड़ों रुपया लगा हुआ है गवर्नमेंट का, पर अज इतने एक 20,000 रुपए या 25,000 रुपए के दो कर्मचारी रख हो रहे हैं इन्ने, तो इतने कर्मचारी नहीं हैं इसलिए। और इतने जो मच्छी पालन भी बिच चलता है, मच्छी पालन का सब तो बड़ा ठेका इस डैम के ही होंदा है डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के, और मच्छी इस डैम की ही सब तो ज़्यादा मशहूर है। और आ देखो डैम कितना खूबसूरत डैम है, लोकेशन कितनी वधिया है, लोग देखने आते हैं। जो मैं इतने देखने गया इस डैम नूं तां मैं अकेला ही गया, तो मैनू कहिंदे तू भाई कल्ला ही आ गया की गल हुई, तेरे नाल कोई नहीं आया, इतने ज़्यादा जोड़े ही देखे जाते हैं। तो कोई गल नहीं, आपां कह रहे ही इतने हाज़र हो गए हैं लोकेशन देखने वास्ते, इस तुहाडे तक ये इनफॉर्मेशन पहुँचाने वास्ते भी कितना खूबसूरत डैम है। तुसीं इतने आओ देखने वास्ते आओ, तुसी होर भी इन्ने पिकनिक स्पॉट देखते हो इतने भी आओ। आ देखो लाइटां, देखो लाइटां बिल्कुल नहीं हैं इतने, सरकार की कमजोरी है, लाइटां बिल्कुल नहीं हैं डैम के उत्ते, कोई लाइट नहीं है। एक बार लगा के छड़ दी गई 1987 तो बाद और अज तक किसी ने यदि खबर नहीं ली है। और ये ग्रीनरी ये उड़ीक रही है कि इतने भी लाइटां लगन और इतने लोग देख आन सानू, तो उड़ीक रही है, पर यह सरकार दी कमजोरियां हैं। कोई गल नहीं, तुसी इस फिर भी इस डैम नूं देखण आओ, और ये डैम बहुत खूबसूरत है और बड़ा वधिया लोकेशन है इसका, और चारे पासे हरियाली ही हरियाली है, पानी नीला नीला पानी जब तुसी देखोगे तो तुहानूं आनंद आ जाएगा और तुसी वाकई कहोगे कि भाई डैम जिहड़े ने वो हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के डैम बहुत वधिया ने और बड़े पीसफुल ने, उत्थे कोई रौला नहीं, कोई लप्पा नहीं, बिल्कुल सही है और बड़ा इंजॉय करते हैं लोग इन्हां डैमां दे उत्ते आ के। तो तुसीं भी कदे तुहाडा वक्त मिले तो तुसीं मैंगरोवाल इस डैम दे उत्ते आओ, जो कि हुशियारपुर तो 10 किलोमीटर है और हरियाणे तो भी 10 किलोमीटर ये पैंदा है। और तुसीं आओ इंजॉय करो, देखो लोग किस तरह इंजॉय कर रहे हैं इत्थे, और कोई मूवी बना रहा है, कोई स्टिल फोटोग्राफी बना रहा है, और बड़ा बड़ा वधिया लोकेशन है। और इहदा पानी जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया कि पानी बहुत सारे पिंडां विच जांदा है और बहुत सारे पिंडां विच इहदी खेती की जाती है इस पानी के नाल ही, तो पानी का प्रैशर तुहानूं हुण दिसेगा कितना प्रैशर जाता है पानी का, वह तुहानूं दिस पएगा, वह तुसीं देखो और इस तरह इंजॉय करते जाओ। और इस आ देखो जी पानी का तुहानूं प्रैशर दिखा दिंदे आ, ये देखो ये डैम का मोरला पासा है, अगे वाला पासा है, फ्रंट वाला पासा है, और इत्थों ही जिहड़ा है वह पानी निकलता है और जिहड़ा कि बहुत सारे पिंडां विच ये पानी सप्लाई हुंदा है और कई तो पीण का पानी भी इनू ही साफ करके दिता जाता है। ये देखो ये आपां पहुँच गए हाँ, तो ये पानी देखो कितना प्रैशर है पानी का, ये देखो प्रैशर कितना है पानी का, और ये पानी 20-25 पिंडां दे विच जाता है, कई लोग तो पीते भी नहीं यही पानी पीते हैं, तो बड़ा वधिया माहौल है। तो तुसी भी इस नूं देखण जरूर आओ, बहुत ही वधिया उद्यम है, और ये तुसी देखण आओ हुशियारपुर के डैम। और डैम तो हुशियारपुर विच बहुत सारे ने, पर ये डैम जिहड़ा है बहुत ही खूबसूरत डैम है। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुहानूं मेरी जानकारी वधिया लगी है तो मेरे चैनल नूं शेयर करो। दोस्तों मैं हाँ दलवीर सिंह दोसांझ, ते तुसी देख रहे हो मेरा चैनल इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों अगर तुहानूं ये जानकारियां वधिया लगदियां हन जां तुसी इस तरह दियां होर वीडियो देखना चाहते हो तो तुसी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नीचे दिता लाल बटन है उस नूं दबाओ, नाल लगी हुई घंटी नूं भी दबा दिओ ताकि मैं कोई भी वीडियो पावां वो तुहानूं मिलदी रहे। तो तुसी मेरे वीडियो नूं शेयर करो फेसबुक उत्ते, व्हाट्सएप उत्ते, और नाल दी नाल तुसी मेरे चैनल नूं देखते रहो। इनकलाब जिंदाबाद।